सरफेस कमांड में अगला जो हमारा टैब है या सरफेस टैब में अगला जो हमारा कमांड है वो है फ्लिट टू सरफेस। सो आइए समझते हैं कि किसी भी सरफेस को सरफेस के तहत किस तरीके से हम फ्लिट कर सकते हैं या फिर सरफेस के बाउंड्रीज के अलावा किस तरीके से हम रोटेट फ्लिट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक सरफेस है जिसे हमें फ्लिट करके इसी तरीके से क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है फ्लिट टू सरफेस। जैसे ही हम फ्लिट टू सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना पहली सरफेस सेलेक्ट करनी रहती है जिसको हम फ्लिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, सो फर्स्ट सरफेस मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। देन मुझे क्लिक करना है एंड सिलेक्शन पर। फिर मुझे सेकेंड सरफेस सिलेक्ट कर लेनी है जिसको मैं फ्लिट करना चाहता हूं। सो मैंने सेकेंड सरफेस भी सिलेक्ट कर ली है। देन आपको प्रेस करना है ओके। सो जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया है तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपकी सरफेस जो है फ्लिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ट्रिम सरफेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रिम सरफेस पर क्लिक करोगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली जो है आपकी अनवांटेड सरफेस है वो ट्रिम हो जाएगी। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको फ्लिट की हुई सरफेस का रेडियस है वहाँ पर उसका साइज क्या होना चाहिए वो चीज़ यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई विश कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी सरफेस को हम किस तरीके से फ्लिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सरफेस के अलावा। सो सरफेस टैब के अंदर नेक्स्ट वन जो हमारा कमांड है वो है टू सरफेस ब्लेंड। तो आइए समझते हैं कि टू सरफेस ब्लेंड कमांड का सरफेस के अंदर क्या यूज़ और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं हम किसी भी प्रकार की दो सर्फेसेस हैं उनको एक साथ ऐड करने के लिए इन कमांड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक सरफेस है जिसमें हमें ब्लेंड करना है इन दोनों सरफेसेस को। सो आइए समझते हैं किस तरीके से आप टू सरफेस ब्लेंड कमांड का यूज़ करके इन सरफेसेस को ऐड कर सकते हैं सिमिलर टू दैट वन। सबसे पहले आपको क्लिक करना है टू सरफेस ब्लेंड। जैसे ही आप टू सरफेस ब्लेंड का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको सरफेस सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सरफेस को सिलेक्ट करना है। अब ब्लेंड किस तरफ करना चाहते हो? ब्लेंड हम इस तरफ करना चाहते हैं तो मैंने इसको इस तरफ सेलेक्ट कर लिया। फिर सेकेंड वन सरफेस को सिलेक्ट करना है किस तरफ ब्लेंड करना चाहते हैं? इस तरफ ब्लेंड करना चाहते हैं। एंड फिर आपको एंटर पर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं जिस तरीके की सरफेस आपको यहाँ पे बीच में रिक्वायर्ड थी वैसी की वैसी सरफेस हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टू सरफेस ब्लेंड कमांड का यूज़ करके दो सरफेसेस को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। सो टू सरफेसेस ब्लेंड के बाद जो अगली हमारी सरफेस के अंदर कमांड है वो है थ्री सरफेस ब्लेंड, जिसका अर्थ है कि तीन अलग अलग सरफेसेस हो उन्हें आपस में ऐड करना है तो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे ये सरफेस है और हमें इसे क्या करना है? आपस में ब्लेंड करना है। सो सरफेस टू सरफेसेस ब्लेंड के बाद जो नेक्स्ट वन हमारा कमांड है वो है थ्री सरफेस ब्लेंड। सो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम तीन सरफेस ब्लेंड का यूज करके आपस में उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है थ्री सरफेस ब्लेंड पर। जैसे ही आप थ्री सरफेस ब्लेंड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ब्लेंड करने वाली सरफेस को सिलेक्ट करना है और आप किस तरह किस डायरेक्शन में इसे ब्लेंड करना चाहते हो उस तरफ सिलेक्शन करना है और आपको F की को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप F की प्रेस करते हो तो आपका ये फेस की तरफ डायरेक्शन शो कर देता है। फिर आपको सेकेंड सरफेस क्लिक करनी है, आपको जिस तरफ ब्लेंड करना चाहते हो उस तरफ क्लिक करना है और फिर आपको F प्रेस करना है। तो जैसे ही आप F प्रेस करते हो तो आपका ये ब्लेंड का डायरेक्शन फेस इस फेस की तरफ हो जाता है। फिर आप थर्ड सरफेस सेलेक्ट करनी है, फिर आपको इस तरफ डायरेक्शन देना है और फिर आपको F पे प्रेस करना है एंड देन आपको एंटर दबाना है। सो जैसे ही आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप थ्री सरफेस ब्लेंड कमांड की मदद से तीन अलग अलग सरफेसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि थ्री सरफेस ब्लेंड कमांड का यूज़ करके हम किस तरीके से तीन अलग अलग सरफेसेस को ऐड कर सकते हैं। सो सरफेस टैब के अंदर जो नेक्स्ट वन हमारा कमांड है वो है थ्री फ्लिट ब्लेंड, अर्थात कि तीन हमारे पास अलग अलग फ्लिट की हुई सरफेसेस है और उन्हें आपस में ब्लेंड करना है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पे इन्हें आपस में प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करना है। तो उस पर्पज़ के लिए हम
थ्री फिलेट ब्लेंड कमांड का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है थ्री फिलेट ब्लेंड पे। आपके पास पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और तीसरी सरफेस। तो जैसे ही आप तीनों सरफेसेस को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सरफेसेस है वो ब्लेंड हो जाती है, या कहें कि फिलेट हो जाती है, और आपकी जिस तरीके से सरफेस दिखनी चाहिए या जिस तरीके से आप इस सरफेस में यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरीके से आपकी सरफेस क्रिएट हो जाती है। सो आइए सरफेस टैब के अंदर जो नेक्स्ट वन हमारा कमांड है वो है स्प्लिट। सो आइए समझते हैं कि स्प्लिट कमांड का क्या यूज़ होता है। स्प्लिट कमांड का अर्थ होता है कि आपके पास कोई भी सरफेस है उसे आप अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम स्प्लिट कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें स्प्लिट कमांड पर क्लिक करना है। कौन सी सरफेस को स्प्लिट करना चाहते हैं, इस सरफेस को स्प्लिट करना चाहते हैं, कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको एरो को ले जाना है। देन ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यू के अंदर, जिसका अर्थ है कि एक्स के अंदर आपका इस सरफेस स्प्लिट हो गया है। यदि वाई के अंदर करना चाहते हैं तो वी पर क्लिक करें। सिमिलरली मुझे फिर से स्प्लिट करना है इस सरफेस को, ओके इस बार वाई में करना है तो वाई में कर सकता हूँ। इस तरीके से कहीं से भी आप किसी भी सरफेस को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उस पर्पज के लिए स्प्लिट कमांड का हम यूज़ करते हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस के अंदर जितनी भी आपकी कमांड है उन सभी कमांड्स का क्या और किस तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ और कमांड्स है इसमें, जैसे कि एडिट सरफेस, इट इज़ आल्सो सिमिलर एंड सिंपल है। और नेक्स्ट वन कुछ कमांड है जैसे नॉर्मल्स। नॉर्मल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका यूज़ होता है मैक्सिमम टाइम्स ऑफ द मल्टी एक्सेस। जब हम मास्टर कैम मल्टी एक्सेस पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम समझेंगे नॉर्मल्स का क्या यूज़ होता है। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनका क्या और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। Thank you.